दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेज़फिट बीपीयू के बारे में। अमेज़फिट बीपीयू के सेंसर को आज हम कंपेयर करेंगे एक बहुत ही यूनिक डिवाइस ऑक्सीमीटर के साथ में, जो हमेशा ही एक्यूरेट जो है रिजल्ट्स देती है। वैसे तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैंने इस अमेज़फिट बीपीयू को कंपेयर किया था एप्पल वॉच के साथ में। साथ में मैंने दूसरी एक स्मार्ट वॉच है फिटबिट, जो कि काफ़ी एक्यूरेसी के मामले में नंबर वन मानी जाती है, उसके साथ भी मैंने इसको कंपेयर किया था। जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे, और इन वीडियोस को आप मेरे जो चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आखिर दोनों या इन एप्पल वॉच के कंपेयर भी ये वॉच जो है वो कुछ किस तरह की है। अनबॉक्सिंग वगैरह सभी वीडियोस वगैरह आपको वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वॉच के अंदर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको SpO2 सेंसर मिलता है और आपका कॉन्टिन्यूअस हार्ट रेट, साथ के साथ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आपको स्ट्रेस का जो सेंसर है वो दिया गया है दोस्तों। लेकिन आज की हमारी वीडियो इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। आज की वीडियो हमारी स्ट्रेट अवे सीधा पॉइंट पर आते हैं कि हमें इसके SpO2 को जो है टेस्ट करना है अपने ऑक्सीमीटर के साथ में। ये एक डिवाइस है जो हमेशा जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए और आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए। तो दोस्तों ये डिवाइस आजकल इसलिए भी ज़्यादा चल रही है क्योंकि आपको पता है कोरोना में COVID-19 के चक्कर में जो है आपके बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनको बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, जिसको ये इमीजिएटली चेक कर लेता है और आपको कोविड के सिम्टम्स आने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम है। तो फिलहाल हम इसके साथ में अपनी अमेज़फिट बीपीयू को जो है टेस्ट करेंगे, इसके सेंसर्स को चेक करेंगे, जिसमें दो सेंसर जो है हमारे मेन रहने वाले हैं। पहला है SpO2 का सेंसर और दूसरा है हार्ट रेट का सेंसर। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मशीन को अमेज़फिट बीपीयू के साथ में कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपने SpO2 को शुरू कर देते हैं और हमारी जो अमेज़फिट बीपीयू है वो भी रेडी है, हमने पहन लिया है। तो अब क्या करते हैं, अपने प्लस ऑक्सीमीटर को हमने ऑन किया हुआ है, इसकी डिस्प्ले भी ठीक कर दिया, यहाँ पर अपनी फिंगर लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या पल्स रेट जो है मिल रहा है। हम सबसे पहले हार्ट का चेक करेंगे कि कितना पल्स रेट जो है यहाँ पर बताएगा और उसको कंपेयर करेंगे अपनी अमेज़फिट बीपीयू के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो हार्ट बीट है वो 80 बता रहा है फिलहाल। तो यहाँ पर ओपन करते हैं अपनी स्मार्ट वॉच को और अपनी स्मार्ट वॉच पर जाकर हम यहाँ पर इसको ऑन कर देते हैं अपनी हार्ट रेट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों लगा दिए हैं आपके सामने और देखते हैं कि यहाँ पर कितना हार्ट रेट जो है अमेज़फिट बीपीयू का बताता है। फिलहाल जो एज पर प्लस ऑक्सीमीटर है वहाँ पर हमारा 86 के अराउंड जो है हार्ट रेट बता रहा है, लेकिन देखते हैं वॉच कितना बताता है। दोस्तों यहाँ पर भी एक्सैक्ट 85 है, तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेट जो है यहाँ पर हार्ट बीट को इसने बताया है, बिल्कुल भी हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बहुत शॉकिंग है इसका सेंसर को। और वैसे बताऊं तो मैंने इसके सेंसर को दोस्तों कंपेयर भी किया था आपकी आईफोन के साथ में, आईफोन की जो एप्पल वॉच है उसके साथ में भी। तो दोस्तों अब यहाँ कंपेयर कर लेते हैं इसके SpO2 को। तो दोस्तों यहाँ पर SpO2 मेजर कर लेते हैं और यहाँ पर भी हमने जो है अपना ऑन करके रख दिया है। SpO2 यहाँ पर बता देगा कि कितना SpO2 हमारा है। तो दोस्तों यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो 99 SpO2 बता रहा है और यहाँ पर वॉच जो है वो मेजर कर रही है। देखते हैं कि यहाँ पर कितना जो है ये बताएगा, 90, और हमारा जो SpO2 है फिलहाल वो 94-93 के आसपास ही रन कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस जो है SpO2 में जो है आया हुआ है। लेकिन फिर भी हम सेफ इनसाइड एक बार और इसको मेजर कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर है और साथ में जो हमारा ये जो है अमेज़फिट बीपीयू है वो फिलहाल क्या पोजीशन जो है देती हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने दोबारा से मेजर करना शुरू कर दिया है। अभी फिलहाल यहाँ पर मुझे 98 दिखा रहा है जो है पल्स ऑक्सीमीटर, और यहाँ पर वॉच कितना दिखाएगी इसको एक बार और फास्ट फॉरवर्डिंग करते हैं फिगर, और हमारा जो SpO2 वो भी कम होकर तकरीबन 93 के आसपास ही हो चुका है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच तो जरूर कर रहा है, लेकिन वन अप एंड डाउन जो है आप इसको हमेशा लेकर चलें। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो देखिए दोस्तों मैं फिलहाल दोनों को आपके सामने वॉच को जो है कंपेयर कर चुका हूँ इस ऑक्सीमीटर के थ्रू ही, और कितना एक्यूरेट और कितना परफेक्ट जो है यहाँ पर ये दोनों वॉच, मतलब वॉच और ऑक्सीमीटर बता रहा है ये आपके सामने है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये दोनों डिवाइसेस? मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको पता लगा होगा कि अमेज़फिट बीपीयू आखिर किस तरह का कंपैरिजन जो है, मतलब किस तरह की परफॉर्मेंस देती है इस डिवाइस के जो अकॉर्डिंगली।
थोड़ा बहुत अप एंड डाउन जितना भी है सब कुछ आपके सामने है, और आई बिलीव कि आपको कंपैरिजन जो है बेहतर लगा होगा। आने वाले टाइम में मैं अपनी सभी स्मार्ट वॉचेस को अपने इसी मॉनिटर, जो सेंसर मॉनिटर है आपका, जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, इसी के साथ मैं कंपेयर करूंगा, तो आपको उनके सेंसर की एक्यूरेसी का पता लग जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, और बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपेरिजन साथ में साथ YouTube अपडेट्स कॉन्टिन्यूसली मिलते रहते हैं।